हेलो एंड वेलकम टू 49th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इसको दूर करेंगे। आप सबने मुझसे बहुत सारे कमेंट्स में और बहुत सारी कंसल्टेशन में पूछा भी है और मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस भी बनाए हैं कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कब करनी चाहिए। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती क्या है और इसका कब कब यूज़ होता है, मैं ये सारा आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन थी, इसलिए मुझे लगा कि 49th एपिसोड आपके लिए ज़रूर होना चाहिए। और आपने हमारे जो पहले हाउ टू कंसल्ट ए डॉक्टर अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसका आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो इसी तरह से मैं आपको बताता जाऊंगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए। पर इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता क्या है और कब कब ये करना चाहिए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए अब सिंपल से कंसेप्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि फ्लेक्शन क्या होता है। अब मान लीजिए ये है हमारी सिटिंग पोजिशन। फ्लेक्शन का मतलब आपको अगर नहीं समझ आता तो समझ लीजिए फोल्ड, F से फोल्ड, F से फ्लेक्शन। अब मैं इस तरह से हमारी बॉडी होती है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्पाइन को इस तरह से फोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम लंबर स्पाइन से देखें तो इस जब ये फोल्ड होती है आगे की तरफ तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन, यानी कि ये। अब यही चीज़ अगर हम लेटे हुए हैं तो अब कैसे फोल्ड होगा, जब हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं, जब नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीज़ ऐसे हो जाती है, हमारा पेल्विस इस तरह से। अब कोई चीज़ चाहे ऊपर से नीचे की ओर आए या नीचे से ऊपर की ओर आए, फोल्ड तो हमारी ये स्पाइन हो रही है, इस तरह ये जो फोल्ड हो रहा है उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। अब इस तरह से ये फोल्ड हो जाता है जब हम नी टू चेस्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। अब आती है एक्सटेंशन, क्या होती है एक्सटेंशन का मतलब होता है अपने आप को एक्सटेंड करना। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल कर्वेचर होता है जब हम खड़े हैं या बैठे हैं, तो जब हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो हम ये चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इसको इस तरह से एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब यही चीज़ अगर हम उल्टे लेट के करें तो हम जिसको हम भुजंगासन या कोबरा पोज बोलते हैं, तो इस तरह से ये हो गया हमारा, जब हम इस तरह से जा रहे हैं तो ये हो गया एक्सटेंशन, तो ये हो गया एक्सटेंशन, वो था फ्लेक्शन। ये आपको अब कंसेप्ट समझ आ गया, क्योंकि कई लोग कहते हैं फ्लेक्शन को वो ये समझते हैं कि हमें खड़े होकर इस तरह से करना, इसको फ्लेक्शन समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये डेंजरस एक्सरसाइज है, आपको इस तरह से नहीं करना। हर एक्सरसाइज अगर आप लेटने वाली यानी कि सुपाइन पोजिशन में करेंगे तो ये क्या होगा, इससे हमारी जो पोजीशन है ये एक स्टेबल और एक कंफर्टेबल और हमारी जो है इसमें इंजरी के चांसेस सबसे कम है, तो इसलिए ये बड़ी सेफ पोजीशन है। तो सेफ पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हम इस तरह से ये फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज करते हैं इस तरह से, तो ये होगी फ्लेक्शन। अब इसको करना कब कब है उसके बारे में बात करते हैं। अब फ्लेक्शन एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ और उसके बारे में आपको बताऊँगा कि इसका पर्पज़ क्या होता है। अब देखिए ये हो गई हमारी सबसे बेसिक फ्लेक्शन एक्सरसाइज जिसमें हम इस तरह से करते हैं नी टू चेस्ट, ये हो गया फ्लेक्शन एक्सरसाइज। अब इसका पर्पस क्या है, आपको मैंने बताया कि पीछे से खोलते हैं। अब दूसरी हो गई पेल्विक टिल्ट, ये भी फ्लेक्शन एक्सरसाइज है जिसमें हम टमी टक करके बैक हमारी नीचे लगी रहती है, अब सिर्फ पेल्विस लिफ्ट होता है इस तरह से, जो हमारा बटक्स होता है सिर्फ उसको हमने इस तरह से लिफ्ट करना होता है यानी कि फ्लेक्शन में लाना होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ बटक्स लिफ्ट हो रहे हैं और जो बैक है वो नीचे की ओर जा रही है, इसको होते हैं फ्लेक्शन एक्सरसाइज। थर्ड आती है स्ट्रेट लेग रेज, अब इस तरह से हमने ये लेग रेज किया, ये भी काइंड ऑफ फ्लेक्शन एक्सरसाइज है, तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग भी होती है हमारे कोर मसल्स की। तो ये है टाइप्स ऑफ फ्लेक्शन एक्सरसाइज, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है। फ्लेक्शन का मतलब फोल्ड, अब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी स्पाइन को इस तरह से फोल्ड करवा रहा हूँ, तो ये होगी फ्लेक्शन एक्सरसाइज। अब चलते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइज की तरफ, तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं, इस तरह से आप लेट रहे हो तो इसको हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब ये होती है हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन का मतलब ये कोबरा पोज और ये भुजंगासन जो है लोग करते हैं इसको हम करते हैं हाइपर एक्सटेंशन, यानी कि ये क्या करती है जब हम एक्सटेंशन करते हैं, ये जब आपको एक्यूट डिस्क बल्ज होता है यानी कि अभी अभी किसी को डिस्क बल्ज हुआ तो उस डिस्क का मटेरियल जो वो फ्लूइड है उसका मटेरियल उसको अंदर करने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि न्यूक्लियस पल्पोसस उस वाटर को वापस से सक करे और वो अंदर की ओर आए। अब जब आपका स्टेनोसिस होता है, फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी होता है या फिर लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी होता है या क्रॉनिक साइटिका यानी कि बहुत देर से प्रॉब्लम चल रही है और उसके लिए आपकी टांग में पेन जा रही है यानी कि कैनाल नैरो हो गई, उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। अब कैनाल नैरो क्यों होती है, क्योंकि लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी वहाँ पड़ी है, पुराना कोई डिस्क बल्ज पड़ा है, डीजनरेटेड डिस्क वहाँ पर पड़ी है या हमारा फेसेट जॉइंट है वो जुड़ रहा है जिससे फोरामिनल कैनाल प्रेस हो रही है। अब इस कैनाल ओपनिंग के लिए इस तरह से ये हो गया
अब जब ये कैनाल होती है, ये फोरामिनल कैनाल है, बीच में से है वो सेंट्रल कैनाल। अब इस कैनाल ओपनिंग के लिए आप खुद सोचिए कि जब हम इसको इस तरह से लेके जाएंगे तभी जगह बनेगी ना हमारे स्पाइन के लिए। तो जब जगह बनानी है तो अब हमें करनी है फ्लेक्शन एक्सरसाइज, और जब हमने डिस्क को अंदर करना है तब हमने करनी है एक्सटेंशन एक्सरसाइज ताकि न्यूक्लियस उसको पीछे से खींचे। अब जगह बनाने के लिए आपको बताया, जब भी मैं ये फ्लेक्शन वाले या अपने नीज को फोल्ड कर रहा हूँ या जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ उससे हमारी कैनाल के अंदर जगह बन रही है जिससे पेशेंट की पेन रिलीफ होती है। वो कैनाल डायमीटर जिसका 6 या 7 mm आता है वो 8 से 10 भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का कंसेप्ट था, फ्लेक्शन कब करना है, एक्सटेंशन कब करना है, इसका इंडिविजुअल वीडियो फ्लेक्शन एक्सरसाइज वो अलग बना हुआ है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज वो अलग बना हुआ है, तो इंडिविजुअल वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब मैंने कंबाइन करके इसलिए बताया क्योंकि जब तक डिफरेंस कंबाइन ना हो तब तक पता नहीं लगता। अब आपको यह भी पता लग गया फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता क्या है, यह भी पता लग गया कब कब करना है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या लोगों को लगता है कि मेरे प्रॉब्लम के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी इतनी इसकी वैरायटी है ना अपनी लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम की या हमारी डिस्क की सैटिका की, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, किसी को कब क्या होता है पता नहीं लगता। क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी आपको मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया, अगर आपको कंफ्यूजन है तो नीचे लिखे नंबर पर जाके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसकी छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि अब बेड पे हम बैठे कैसे करें, बेड पे कैसे बैठा करें। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, तो आपको पता लग जाएगा कि हम बेड पे कैसे बैठा करें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी कि हमें बेड पे अच्छे से बैठा सके। अब वो सपोर्ट आ रही है, अब आप बेड पे बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था। क्योंकि ये भी मैंने भी सोचा कि इतने सारे लोग अगर कह रहे हैं कि हमें तो बेड पे ही टीवी देखते हैं या बेड पे ही हमें तो चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन हमारा जो सोसाइटी है उसमें हर घर में टीवी जो है वो बेड पे बैठ के ही देखा जाता है। इसलिए इनको बहुत बोला कि नहीं करें नहीं करें, पर लोग हटते नहीं थे, तो इसलिए हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। वो आपको नेक्स्ट वीक तक पता लग जाएगा, एक हमारा प्रोडक्ट आ रहे हैं वो आपको सब पता लग जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से लोगों को पता लगेगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, कब क्या करना चाहिए उसके बारे में। हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे। अब मैं आपको नी के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि नी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमें हर टाइम हमारे पास होनी चाहिए ताकि हमारा नी पेन से भी छुटकारा हो सके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।